आगरा में आज नगर निगम के सदन आयोजित किया गया, जिसमें पार्षदों ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले पार्षद जितेंद्र वर्मा पर नगर निगम के ठेकेदार द्वारा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर महापौर को अवगत कराया और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई व ब्लैक लिस्ट करने की मांग की। जांच पड़ताल के पार्षद के विरुद्ध FIR दर्ज की है और इससे सभी पार्षद आक्रोशित हुए, सभी पार्षद एकजुट हुए और सबने इस सदन को स्थगित करने की मांग की और सदन को बहिष्कार कर रहे थे और पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए, बहिष्कार को देखते हुए मैंने सदन को स्थगित आगामी सूचना तक के लिए कर दिया है। देखिए फर्जी भुगतान नहीं हो रहे हैं, अगर एक कोई समाचार मिला है तो हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की। हमारे वित्तीय अनियमितता अगर कोई करेगा पकड़ा जाएगा तो नगर निगम प्रशासन छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो 70,000 रुपये का कोई समर्थबिल का घपला हुआ और फर्जी भुगतान हुआ तो उसमें जाँच कमेटी बनाई, जाँच कमेटी वो बात सत्य पाई गई, जब सत्य पाई गई तो हमने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया है, जूनियर इंजीनियर को ऑफिस अटैच किया है और चेतावनी अन्य अधिकारियों को भी दी है और एक संदेश देने का हमने काम किया है कि काम ईमानदारी के साथ करें और जो गड़बड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आगरा के फास्ट गोवर्धन रेलवे स्टेडियम में 3 दिन से चल रही अखिल भारतीय रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी द्वारा जीते हुए प्रतिनिधियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया और उनके साथ आगरा रेल मंडल के प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सर एक सवाल है, एक काठगोदाम गाड़ी पहले चला करती थी और उसका अभी इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है तो क्या कारण है गाड़ी नहीं चल पा रही है? कुछ काम चल रहे होंगे, मुझे तो कारण का पता नहीं, लेकिन कहीं दूर काम चलता है तो उसके लिए कोई गाड़ी चलने में रोक दी जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि उस सवारियाँ ना हो तो गाड़ी को कुछ दिन पेंट कर दिया जाता है। मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। एक्चुअली उसमें रामपुर में पाथ की भी समस्या है, वो अभी भी वो काठगोदाम नहीं ले जा रहे हैं, लाल कुआं तक ही ले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पाथ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के सर, जैसे ताजनगरी टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब है, यहाँ पर वंदे भारत कब मिल सकते हैं आगरा का? ये तो मैं ना बता पाऊँगा, अभी तो दो ही रहे किसके हैं, अब दोनों रेल व्यस्त हैं ना, तो अब इसका टेंडर होगा उसके बाद। हमारा तो ये प्रस्ताव था कि हम शताब्दियों को वंदे भारत से कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रेल कुछ सप्ताह से नहीं आ पाई तो यहाँ प्राथमिकता समझ रही है मंत्रालय ने, भारत सरकार ने वहाँ पर दी है, पर वो दिन दूर नहीं जब ये सभी गाड़ियाँ वंदे भारत की जाएंगी। एक दो साल सर, काफ़ी समय से गेट नंबर 77 पे आरओबी की मांग की जा रही है और वो खास शायद 5 से 8-10 साल भी हो गए उसको, वो पूरा नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? कारण ये कि जो उसमें सहभागिता होती है खर्चे में राज्य सरकार की, उसमें अड़चने आ जाती हैं। अभी हमने मीटिंग भी की थी स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से पिछले महीने, तो धनराशि न होने की वजह से हमारे जो 42-47 लंबित ऐसे मामले हैं उसमें हम आगे उस रफ्तार से नहीं हो पा रहे, वो लोग चाहते हैं
सबसे नया एक मॉडल खोजने की तैयारी में स्टेट गवर्नमेंट और रेल मंत्रालय की, तो ये भी सहभागति हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ी प्रगति बंद हो गया चलता है ना जो यहाँ के टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी, लेकिन वो बंद हो गया। ये IRCTC ने इनको सर टेंडर डाल दिया, वो नया बंद है, उनको स्टैंडिंग प्रॉब्लम मतलब कंटिन्यू प्रॉब्लम थी, उसे बंद करके नया ठेका करेगा। बदायूं के नगर दादागंज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बारात शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से धूमधाम से निकली। वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर विनय कुमार सिंह एडवोकेट श्री रामचंद्र जी का तिलक करके आरती उतारकर राम बारात शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही साथ दादागंज 117 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी ठाकुर अमित कुमार सिंह मेला अध्यक्ष कमेटी गुप्ता की अगुवाई में राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई। जी सर, सर शुभ नाम आपका? मैं अमित कुमार सिंह रिंकू भैया, भारतीय जनता पार्टी विधायक जन सहयोग कार्यालय प्रभारी। सर यहाँ पे जो आज राम बारात निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है सर, इसके बारे में बताएं। हमारे हिंदू धर्म के पुरोहित आदरणीय रघुवंशी श्री रामचंद्र भगवान के आदर्शों के पालन हेतु, हिंदू धर्मों के वही पुरोहित देवता है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनकी सीख समझने के लिए, उनके जन्मांतरण से आज तक लगातार हिंदू धर्म उनकी राम बारात निकालता चला रहा है, उसी का आज भव्य दिव्य आयोजन दादागंज में किया जा रहा है राम लीला कमेटी के द्वारा। सर जी राम बारात जो निकल रही है, जो इसी साल निकल रही है, हर साल निकलती है? ये पिछले कई वर्षों से लगातार निकलती आ रही है, जिसमें दादागंज का प्रत्येक रामलीला कमेटी का सदस्य बढ़ चढ़ के सहयोग करके लगातार निकाल रहे हैं। सर इस बार जो राम बारात निकली है, तो इसमें कुछ अलग से कुछ खास इंतजाम किया गया है या कुछ अलग किया गया है? लीला कमेटी के अध्यक्ष श्री मोंटी गुप्ता जी एवं उनके सहयोगी तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, उपचार की, सफाई की, नगर पालिका के सहयोग से सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया, पूर्ण रूप से बंदोबस्त किया गया हर एक व्यवस्था का। जी सर यहाँ पे जो राम बारात निकल रही है, तो सर इसके बारे में कुछ बताएं। राम बारात हमारे भारतवर्ष में सदियों से निकलती चली आई है, और भगवान राम जब लंका पर विजय करके बुराई पे अच्छाई की विजय करके लौटे, तो दशहरा मनाएगा, दीपावली मनाएगी, उसी के प्रत्यक्ष में भगवान राम के स्वागत में ये राम बारात निकलती चली आई है और हमेशा निकलती रहेगी। दातागंज में भी इसका बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया जाता है, तमाम तरीके की झांकियां लाई जाती हैं और अच्छे से अच्छी झांकियों के द्वारा इस राम बारात को पूरे शहर में निकाला जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है। इससे ये संदेश जाता है कि भगवान राम बुराई पे अच्छाई की जीत करके आए, और इसके बाद दादागंज में यही रामलीला ग्राउंड में रामलीला का प्रारंभ किया है। सर यहाँ पे जो राम बारात निकलती है, तो मैंने सुना है क्षेत्र के भी लोग देखने आते हैं? पूरे क्षेत्र के आसपास के तमाम गाँव के लोग इस राम बारात को देखने के लिए, महिलाएं और पुरुष दोनों भारी मात्रा में राम बारात के दोनों तरफ चलने फिरने को जगह नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग देखने आते हैं। ये यही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये व्यवस्था है कि जब भी राम बारात निकलती है तो राम के प्रति सबकी आस्था है, भगवान राम के प्रति सबकी आस्था है, उनको देखने के लिए जो राम बारात में राम और सीता बनते हैं, उन्हीं को आराध्य मान के सब लोग हम लोग आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं और उन्हीं को उनके प्रतीक के रूप में मानते हैं। सर आप इस राम बारात के अवसर पर आप नगर में या क्षेत्र के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश क्षेत्र में देना चाहूँगा कि जिस तरीके से भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत ली, इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में भी बुराइयाँ खत्म हों, ईमानदारी आए और क्षेत्र का विकास हो। भगवान राम के देश में जिस तरीके से रामराज को महान माना जाता रहा है, इसी तरीके से दातागंज विधानसभा में भी इस तरीके का शासन और प्रशासन रहे कि यहाँ भी प्रगति और विकास दिखाई पड़े। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र ब्रिज घाट पुल पर बड़ा हादसा टला। आपको बता दें कि मामला दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे 9 पर बने हुए तीर्थ नगरी ब्रिज घाट गंगा नदी के पुल का है, जहां मुरादाबाद की दिशा से आ रही एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग को देखकर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, देखते ही देखते बस में धुएं का गुब्बार बन गया। बस को तुरंत बस चालक तीर्थ नगरी ब्रिज घाट पर बने गंगा नदी के पुल पर रोक दिया गया। वहां पर मौजूद स्थानीय व्यक्तियों की मदद से सभी यात्रियों को बम शक्कत सही सलामत बाहर निकाला गया। आज होटल सर्वे ग्रैंड गोमती नगर में उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 125 फिल्मों से अधिक फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता गोविंद नामदेव फिल्म अर्जुन सिंह IPS में अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा कि फिल्म में भ्रष्टाचारी मंत्री की भूमिका में हूँ मैं।
जो आज का आईना है। इसी अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिंह यादव जी को हीरो भाइयों के नाम उत्तर प्रदेश में मशहूर है। उन्होंने सभी सिने प्रेमियों से आग्रह किया कि एक बार फिल्म जरूर दें कि फिल्म के डायरेक्टर श्री अरशद सिद्दीकी ने आज हालातों के ऊपर फिल्म बनाई है। हो जाता है सर, आज 18 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है। हमारे सीएमएन न्यूज के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति ये जरूर समझ ले, इस फिल्म से तो समझ ही जाएगा कि आप जो बोओगे वही काटोगे, आप जो करेंगे आपके काम जिस तरह के होंगे उसी तरह से आपको इज्जत मिलेगी। आप गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा। इसमें जो कैरेक्टर मेरा है, मैं इतना गलत करता हूँ तो अंत ये होता है कि मुझे मार दिया जाता है, मेरा मर्डर हो जाता है। इस तरह के चरित्रों का यही हश्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे इस चरित्र की तरह आपका हश्र ना हो, अच्छे काम कीजिए, भले काम कीजिए, ऑल द बेस्ट। आगे भी सर अभी और इसकी सीक्वल आने हैं फिल्म के? हाँ, इसके एक और अभी बनने का अनाउंसमेंट किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। पुलिस ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS 2002। थैंक यू। वरिष्ठ अभिनेता जिन्होंने 125 से अधिक फिल्में की हैं, CMN न्यूज से एहसन रईस, लखनऊ। मैं हूँ एहसन, CMN न्यूज से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंद नामदेव जी, जिन्होंने 125 से अधिक फिल्मों में काम किया है। एक जबरदस्त अभिनय, एक जबरदस्त किरदार, जो यहाँ का भ्रष्टाचारी चेहरा है उसको दुनिया के सामने लाने का हमेशा प्रयास करते रहे। आज फिर ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS को लेकर जनता के बीच में 18 तारीख आज ही फिल्म रिलीज हुई है, हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने हमेशा भ्रष्टाचारियों का जो चेहरा है भारत में उसको समाज में दिखाने की कोशिश की है, उसको उजागर करने की कोशिश की है, और उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ हमने रखने की कोशिश की है कि लोगों को इस तरह के चरित्रों से नफरत हो जाए। हम उसमें इतनी इंटेंसिटी डालते हैं ताकि उसका असर लोगों के दिमाग में ये तो पड़े कि ये कितना गलत काम करते हैं ये वो, और जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं उनको एक एहसास हो, उनको एक महसूसियत हो ये कि यार मैं इतना गलत काम क्यों करता हूँ। हमारे साथ इस वक्त एक्टर सत्येंद्र सिंह यादव जी हैं, जो इस वक्त धत तेरे की सॉन्ग को लेकर बहुत चर्चित हैं। सर, बताएं कुछ सॉन्ग के बारे में। जी नमस्कार, ये ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS बैच 2000 फिल्म है, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी है, और फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने गाना लिखा है ये धत तेरे की ऐसी की तैसी, जो भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसको बयां कर रहा है कि जनता के साथ कैसे नेता क्या कर रहे हैं, वो सब गाने में आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो आज के हालात को देखते हुए गाना लिखा गया है? जी बिल्कुल, कि भ्रष्ट नेता की राजनीति धर तेरे की ऐसी की तैसी। आप अखबारों में भी राजनीतिक तौर पे नजर आते हैं, क्या मामला है कि नेता से अभिनेता का सफर, उसके बारे में बताइए। जी ऐसा है, चूंकि मैं एक सामाजिक काम भी करता हूँ, जन समस्या मेला कमेटी भारत का अध्यक्ष हूँ, और मैं एक समाजवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे ये मौका मिला कि देश के हालातों को कैसे बयां कर रहा है गाना, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अरशद सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा कि सर हम आपके ऊपर करना चाहते हैं गाना, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर ये गाना शूट किया है, तो हमें नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ में भी चल रहा है गाना, टीवी पर भी है, सोशल मीडिया पर भी है, कि कैसे नेताओं को अब जनता खदेड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। नहीं, जनता ने जिस तरह आपको पसंद किया है फिल्म रिलीज़ होने से पहले, क्या लगता है भविष्य में और भी आगे फिल्में करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों का प्यार है, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों ने प्रेम दिया है और एक अभिनेता के तौर पर दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और मैं आगे भी काम करूँगा। अभी CMN न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई, बहुत कम समय में और आप लोगों ने इतनी अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, और जनता की बात आप कहते हैं, सरकार के बीच रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत